मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। आज आपको वर्ष 1966 इसमें इलाहाबाद में कुंभ लगा था, उस कुंभ की यादों से जोड़ता। सुधीर दादा, उमादत्त शुक्ला, हरि बाबा और बहुत सारे महाराज जी के भक्त। और इलाहाबाद में जब कुंभ लगता है ना, तो विश्व से, पूरे विश्व से भक्त वहां आते हैं, श्रद्धालु वहां आते हैं। अब कुंभ के बारे में आप जानते हैं। तो 1966 में महाराज जी का आदेश हुआ कि वहां भंडारा चलेगा। सुधीर दादा लिखते हैं कि 1966 में जैसा भंडारा हुआ वैसा पूर्व में कभी आयोजित नहीं किया गया था और बाद में भी वैसा आयोजित नहीं हो पाया। आयोजन हुए लेकिन 1966 का जितना बृहद स्तर पर हुआ, जितने बड़े स्तर पर हुआ, उतना कभी नहीं हुआ। तो भंडारा कैसे चलता था, एक बात बता दें हम आपको कि महाराज जी जब फोर चर्च लेन से निकलते थे तो घर पे भोजन प्रसाद देते थे। पूरे दिन कहां रहते थे पता नहीं था, लेकिन जहां भंडारा चल रहा था वहां एक बार जरूर आते थे। एक बार आए, भ्रमण किया, वहां हालचाल लिए और चले गए। लेकिन सबकी ड्यूटी थी वहां पर, सबके जो काम थे वो निर्धारित थे। चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं उमादत्त शुक्ला का क्या काम था। उमादत्त शुक्ला का काम था कि भोजन की व्यवस्था देखें, साधुओं को आमंत्रित करें, उनको भोजन से सम्मान करवाएं। और आप ये मान के चलिएगा कि साधुओं को बुलाना, सम्मान सहित भोजन कराना, बहुत टेढ़ी खीर होती है ना, कि कहीं जरा सा भी अगर कोई किसी ने कुछ कह दिया या पूरी रख रहे हैं उन्हें ऐसे कर दिया तो वो फिर एकदम नाराजगी वाली बात आती थी। तो वो चीज नहीं हो, उमादत्त शुक्ला इसके इंचार्ज होते थे। भंडारे में भोजन बनाने के लिए हलवाई नहीं रखे गए थे, हरदत्त बाबा थे और वहां के भोजन बनाने वाले और लोग थे, वो वहां पर भोजन प्रसाद की व्यवस्था करते थे और बड़ी संख्या में लोग भोजन करते थे आके। सामान कब आया, सामान कहां रखा है, कैसे है, कहां से बढ़ रहा है, पता नहीं होता। मैंने आपको एक कथा बताई थी कि महाराज जी जब आया करते थे, और आज मैं पुनः बता रहा हूं, तो जो बोरे हुआ करते थे जहां उनका भंडार कक्ष था वहां थोड़ी देर उसमें भ्रमण जरूर करते थे, वहां जरूर देखभाल करते थे और काम चलता रहता था। अब जब ये व्यवस्था सारी बहुत बढ़िया चल रही थी तो उमादत्त शुक्ला के मन में ये आया कि मैं काम करने वाला हूं और महाराज जी का बहुत प्रिय भक्त हूं, और प्रिय तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता ना कि बड़े आदमी के साथ बैठने वाला भी आदमी सोचता मैं भी बड़ा हो गया है ना, या मेरा भी एक रुतबा है। तो वो जो थोड़ी सी भावना आई तो उसमें महाराज जी ने क्या किया, उनसे कहा कि शुक्ला तुम जब फुर्सत हो जाया करो तो घुमाया करो कुंभ में, जाओ आज महेश योगी के कैंप में चले जाओ। महेश योगी एक जाना पहचाना नाम, वहां पर कैंप में जाते हैं तो लोग वहां पर ध्यान साधना कर रहे बैठे, लेकिन उमादत्त शुक्ला को कोई नहीं पहचानता वहां पर। वो सोच रहे कि लाओ कुछ सीख ले, लेकिन वहां पर जो लोग उपस्थित हैं वो उन पर ध्यान नहीं देते। ये वो कर्म था जहां उमादत्त के अंदर जो अहंकार या घमंड उपजा था उसकी विदाई थी उसमें। लेकिन उनको वहां पर जो लोग साधना कर रहे थे महेश योगी के उसमें प्रक्षेत्र में जो उनका कैंप लगा था, तो
उन्होंने पहले सोचा कि लाओ पूछ लें कि सीख लें, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो फिर वो वापस आ जाते हैं और उनको कष्ट होता है कि वहां हमको किसी ने पूछा नहीं, किया नहीं। महाराज जी जब दूसरे दिन आते हैं तो पूछते हैं कि उमादत्त योगी के कैंप में गए थे, तो उमादत्त शुक्ला कहते हैं कि हम योगी के कैंप में तो गए थे लेकिन साहब हम सीख कुछ नहीं पाए। महाराज जी कहते हैं तुझे सीखने को किसने भेजा था, हमने तो कहा था तू देख आना, देख आया कि नहीं। अब तो उमादत्त शुक्ला को ये लगा कि हम गए वहां देखने के, देख तो वैसे ही देख रहे थे पूरा कैंप में, यहां पर कुंभ में ही रह रहे हैं। तो उमादत्त शुक्ला को ये समझ में आया कि जो मेरे अंदर मैं अहम जो निकल के आया है, तो उस चीज को महाराज जी ने जरा से काम से हमसे हटवा दिया। मित्रों जब कोई ऐसी बात होती है तो महाराज जी का कोई भी आदेश ऐसा नहीं होता जिसमें कुछ ना कुछ अर्थ निहित ना हो। आप समझ लीजिए कि जब कोई काम महाराज जी कहने करते हैं या करने के लिए कहते हैं तो उसमें एक बहुत गूढ़ अर्थ छिपा होता है। तो इलाहाबाद में 1966 में जब एक बार उमादत्त शुक्ला के मन में जब अहम का बीज रोपण हुआ, उसको निकाल फेंका महाराज। तो मित्रों जब कभी आपको बड़े व्यक्तियों का सानिध्य प्राप्त हो, आपके पास ताकत बढ़े, आपके पास बल प्रभाव धन प्रभाव है ना जब बढ़ जाए, तो आप निश्चित रूप से ऐसा कर्म करें, ऐसा व्यवहार करें जिससे लोग आपसे और ज्यादा संतुष्ट हों। आप वही हैं, आपको वहीं रहना भी चाहिए, क्योंकि हम जो काम करते हैं या हम जिस स्तर पर हैं या जिस स्टेज पर हमारी गतिविधियां चल रही हैं और भगवान आपको बड़ा करता है। आपको पता है ना कि जब वृक्ष फलदार होता है, वृक्ष जब फल लगते हैं तो वो झुक जाता है, तनता नहीं है, है ना। तो हमें झुक कर, हमें दूसरे को स्वीकार कर और दूसरे को एक तरह से मैं ये कहूं कि दूसरे के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर, एक मुस्कान लाकर अगर हम ऐसा काम कर पाते हैं तो हम अपनी जगह पर सही है। मित्रों आप भी प्रयास करते रहिएगा, कोई अहम मत कीजिएगा। आपको ईश्वर अगर बढ़ा रहा है तो बस दूसरे की चेहरे की मुस्कान के लिए आप चिंतित हो, ठीक है ना। जय बाबा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।